बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। सॉरी, एक क्वेश्चन नहीं, एक और ग्रैंड क्विज स्टूडेंट का हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास फोर्थ नंबर ग्रैंड क्विज है, तो देखते हैं जी इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन केस ऑफ रिकवरी ऑफ बैड डेट्स इज डेबिटेड, जब बैड डेट्स हमारे पास रिकवरी होती है तो हम किस चीज़ को डेबिट करते हैं। डाउटफुल डेट्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है, या बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को डेबिट किया जाता है, या फिर डेट्स अकाउंट, या फिर बैंक अकाउंट। तो हमारे पास जो होता है बैंक, जो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट है, ये डेबिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इन लेजर अकाउंट आर बैलेंस्ड ऑफ ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। रिपोर्ट स्टाइल, अकाउंट स्टाइल, हमारे पास ती अकाउंट स्टाइल में हम करते होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नाउन एज बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कहा जाता है। यहाँ पे कहीं पे है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये है जी हमारे पास। नेक्स्ट जी हमारे पास, गुड्स सोल्ड ऑन कैश इंक्रीज, किस चीज़ को इंक्रीज करता है जी हमारे पास, एसेट्स को इंक्रीज करता है। आगे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा अकाउंट, यहाँ पे परचेज रिटर्न जो हमारे पास कॉन्ट्रा अकाउंट है। कहते हैं व्हेन अ बिजनेस परचेज गुड्स फ्रॉम ए बी सी एन कंपनी एंड प्रॉमिस टू पे अमाउंट सर्टन फ्यूचर टाइम पीरियड, ए बी सी एन रिकॉर्डेड एज, अच्छा जी, एसेट्स ऑफ द बिजनेस, इक्विटी ऑफ द बिजनेस, लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस ने क्या किया जी, परचेज़ किया ए बी सी कंपनी से, ठीक है, और प्रॉमिस किया है कि मैं पीरियड के बाद ए बी सी कंपनी को पे करूँगा, तो ठीक है जी। अच्छा जी, ए बी सी कंपनी एंड को इज़ रिकॉर्डेड एज, ए बी सी कंपनी जो है इज़ रिकॉर्डेड एज क्या करेगी जी, ये करेगी जी हमारे पास एसेट ऑफ द बिजनेस आएगा जी इसके लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड व्हेन वी एक्वायर बिल्डिंग रुपीज़ 500,000 ऑन कैश। तो यहाँ पे बिल्डिंग हम कर रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट क्या होगा जी हमारे पास, डेबिट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज अ बुक ऑफ फर्स्ट एंड प्राइम एंट्री, यानी कि प्राइम एंट्री। ये हमारे पास क्या होता है जी, जनरल जर्नल होता है, ठीक है जी। क्या होता है जी, जनरल जर्नल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डीलिंग बिटवीन पर्सन्स विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस, इवेंट्स, कम्युनिकेशन, ट्रांजेक्शन, मैसेजेस। यहाँ पे हमारे पास ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। इसमें क्या, इन द पोस्ट रेफरेंस कॉलम ऑफ अ लेजर अकाउंट डैश रिटर्न फ्रॉम विच इज इन विच दिस एंट्री इज पोस्टेड। इन द पोस्ट रेफरेंस कॉलम में क्या करते होते हैं, पोस्ट रेफरेंस कॉलम में हम लेजर अकाउंट के क्या लिखते होते हैं, रिटर्न विच ऑफ द एंट्री इज पोस्टेड। पेज नंबर ऑफ द जर्नल लिखा जाता है जी हमारे पास, पेज नंबर ऑफ जर्नल हम लिखते होते हैं। पास क्वेश्चन, टोटल एसेट इज माइनस टोटल लाइबिलिटीज, तो हमारे पास आ जाता होगा ऑनर्स इक्विटी आ जाता है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये है जी हमारे पास, क्या होता है जी, बिजनेस रिकॉर्ड मस्ट कैप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ द ऑनर। क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो हमारे पास क्या आएगा, जर्नल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्रेडिट नोट इज इश्यूड बाय द सेलर व्हेन आर रिटर्न, व्हेन क्रेडिट सेल्स आर रिटर्न, ठीक है जी। क्रेडिट सेल्स जब रिटर्न होती है तो उसके लिए क्या होता है, हम क्रेडिट नोट इशू करता है सेलर। 5/10 एंड 30 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर कस्टमर डिस्काउंट, सीजन डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट है जी हमारे पास। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू जी, नेचर ऑफ एक्सपेंस इज डेबिट, ठीक है, नेचर ऑफ इनकम इज क्रेडिट, ठीक है, नेचर ऑफ ऑनर इज इक्विटी इज क्रेडिट। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट जी हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कंडीशन इन अकाउंटिंग, हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा जी। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश डिक्रीज, किस चीज़ में डिक्रीज होएगा जी, कैश डिक्रीज होगा। गुड्स जब हम कैश पे परचेज करेंगे तो किस में डिक्रीज आएगा, कैश में डिक्रीज। नेक्स्ट है जी, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ पीरियड ट्रीटेड एज, जो हम एक्सपेंस एडवांस में पे कर देते हैं अगर एंड ऑफ द पीरियड में, हम उसको एसेट के तौर पर ट्रीट करते होते हैं। कहते कौन बंदा है जो जर्नल को
मेंटेन करता है। इसके लिए हमारे पास बुक कीपर होता है। बुक कीपर क्या करता है, जर्नल को मेंटेन करता है। ये देखें जी, इसी क्विज के अंदर ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कह रहे हैं जी, व्हेन अ बिजनेस परचेजेस गुड्स फ्रॉम ए बी सी एंड कंपनी एंड प्रॉमिसेस टू पे द अमाउंट एट सर्टेन फ्यूचर टाइम पीरियड, ए बी सी एंड कंपनी इज रिकॉर्डेड एज। ए बी सी कंपनी क्या से रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करी, इज रिकॉर्डेड ए बी सी कंपनी क्या रिकॉर्ड की जाएगी। कहते जी, व्हेन अ बिजनेस रिपर्चेजेज फ्रॉम गुड्स ए बी सी कंपनी एंड प्रॉमिस टू पे द अमाउंट सर्टेन फ्यूचर टाइम पीरियड, ठीक है जी, और टू ए बी सी एंड कंपनी इज रिकॉर्डेड, ए बी सी कंपनी इज रिकॉर्डेड एज एसेट ऑफ द बिजनेस, क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस, डेटर ऑफ द बिजनेस, इक्विटी। यहाँ पे क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस आएगा। यहाँ पे कॉमा लगा होता तो हम किसी और के थे, तो यहाँ पे क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस आना चाहिए। अगर पहले मैंने कुछ और लगा दिया तो वो आई थिंक इसी तरह की स्टेटमेंट थी, तो फिर वो गलत होगा। कह रहे हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्ट्रा अकाउंट्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसके बजाय जी, हमारे पास सेल्स रिटर्न भी, परचेजेस के अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ड्राइंग, सेल्स रिटर्न, ये सब तीनों हमारे पास क्या हैं, कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं। आगे के जी, विच आर द फॉलोइंग रेफर्स टू रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी, सम ऑफ टोटल एसेट्स आर एंड ऑनर्स इक्विटी, सम ऑफ टोटल एसेट्स, सम ऑफ टोटल एसेट एंड ऑनर इक्विटी एंड टोटल लाइबिलिटीज, सम ऑफ टोटल लाइबिलिटीज। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी, उन्होंने कहा रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी, यहाँ पे सम ऑफ टोटल एसेट्स एंड ऑनर्स इक्विटी, ये भी नहीं आएगा, सम ऑफ टोटल एसेट्स, सम ऑफ टोटल एसेट्स, ऑनर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सम ऑफ टोटल लाइबिलिटीज। यहाँ पे रिसोर्सेज में हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, बाकी कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें तीनों चीज़ें गिवन है, बल्कि बेस्ट तो ये होना चाहिए था ऑनर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज अकेले होते, यहाँ पे ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज ऑफ एंटिटी में हमारे पास लाइबिलिटीज भी आता है और इक्विटी भी आता है, इसका ऑप्शन हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटल लाइबिलिटीज भी, बट मुझे बेटर यही लग रहा है टोटल एसेट्स, ऑनर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स, बल्कि हम सम ऑफ लाइबिलिटीज़ में ही जाएंगे, ठीक है जी, नहीं बल्कि ऐसे ही कर इसी को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने आधा जवाब दिया है वो आधा नहीं दिया हुआ, ठीक है। देखते हैं आगे, रेंट इनकम अकाउंट शुड बी डेबिटेड ड्यू टू, रेंटिंग अकाउंट जो है वो किस वजह से क्या होगा, डेबिट होगा, रेंट जी, रेंटल इनकम रिसीव्ड, रेंट इनकम रिसीवेबल क्लोजिंग, रेंट रिसीवेबल ओपनिंग, बैलेंस शीट अकाउंट, रेंट रिसीवेबल क्लोजिंग होगा जी हमारे पास, ठीक हो गया जी। जी रेंटल इनकम रिसीव्ड जब हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, रेंट इनकम शुड बी डेबिटेड, तो इसको डेबिट नहीं तब तो इसको हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रेंटल इनकम रिसीव्ड, इसके लिए हमारे पास रेंट इनकम रिसीव्ड हम इसका ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है जी, रेंटल इनकम रिसीव्ड। नेक्स्ट है जी, हमारे बीच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एज एसेट्स ऑफ फॉर द एंटिटी, एसेट फॉर द एंटिटी क्या चीज़ होती है जी हमारे पास, ओवर ड्रॉन बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये नहीं है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम, नहीं है ये भी, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये भी नहीं है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम, ये ठीक है जी हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग इसका आंसर है जी हमारे पास। यहाँ पे कह रहे हैं, इनकम एंड गेंस अकाउंट्स आर फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स, रियल अकाउंट, वैल्यूएशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट्स में आएगा। क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई टू अकाउंटिंग हेड्स दैट आर अफेक्टेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ रेंट रिसीव्ड थ्रू चेक, रेंट हमने रिसीव किया है चेक के थ्रू, तो इसमें रेंट इनकम एंड कैश अकाउंट नहीं होगा, रेंट एक्सपेंस एंड कैश अकाउंट नहीं होगा। अच्छा जी, रेंट इनकम एंड बैंक अकाउंट ये हो सकता है जी, बिल्कुल यही है, रेंट इनकम एंड बैंक अकाउंट, क्योंकि रेंट हम रिसीव कर रहे हैं। इज पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट, अच्छा जी, क्रेडिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ डेटर्स अकाउंट में हम क्या चीज़ पोस्ट करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, रिसीट फ्रॉम डेटर्स, रिसीट फ्रॉम डेटर्स जो आता है हमारे पास वो कहाँ पे हम करते होते हैं, ये डिस्काउंट अलाउड होता है, तो तब कि किसी क्रेडिट साइड पे क्या आता है जी,
यहाँ पे तमाम के ये क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आएगा, ठीक है। ये सेल्स रिटर्न अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड रिसीट फ्रॉम डेटर्स, ये सब की वजह से डेटर्स अकाउंट में कमी आती है, ठीक है जी। कहते हैं सेल जर्नल इज टोटल आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल ईच ट्रांजेक्शन, द प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, स्पेसिफिक इंटरवल के बाद होता है जी। लेकिन ये क्विज भी एंड हो गया हमारे पास, मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी स्टूडेंट का क्विज करते हैं, तो फिर हम करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।